गाइस, आज इंफोसिस में मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है, तो अब मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि इंफोसिस में मैंने अप्लाई किया था एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, तो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे और आप भी इंटरव्यू देंगे तो आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे। पहले आप वीडियो की डेट देख लीजिए कि ये वीडियो कितना पुराना है। ये वीडियो अपलोड हो रहा है 25 जून 2020। अगर बाद में आप 2-3 साल के बाद में देखोगे तो बहुत स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा, इंटरव्यू का फ्लो भी चेंज हो सकता है। तो आज क्या हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले उसने स्टार्ट किया था HTML से, व्हाट इज द न्यू फीचर्स ऑफ द HTML5। सो मैंने वो सब कुछ कर ही लिया था, तो उसका आंसर दे दिया। बाद में हम मूव ऑन हो गए CSS में। CSS में उसने मुझे पूछा कि रिस्पॉन्सिव वेब पेज के लिए तुम क्या प्रीफर करोगे, मीडिया क्वेरी प्रीफर करोगे या बूटस्ट्रैप प्रीफर करोगे। बाद में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बनाना है तो तुम क्या कर सकते हो, और ग्रिड कैसे यूज होती है। तो वो सब पहले बूटस्ट्रैप में पूछा। फिर से उसने HTML का क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई HTML को हम नेस्टेड लिंक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो वो भी हो गया। बाद में एक था कि तुम्हारे पास स्टाइल शीट एक पड़ी है, तुम्हारे पास एक टेम्पलेट पड़ा है, तो तुम दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे। तो वो भी मैंने दे दिया आंसर। बाद में हम मूव ऑन हो गए जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में पहले पूछ लिया लेट और कॉन्स्ट क्या होता है, बाद में डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का डिफरेंस क्या है, एरो फंक्शन पूछ लिया, मैप पूछ लिया, रिड्यूस पूछ लिया। बाद में हम मूव ऑन हो गए ऑन एंगुलर। सो एंगुलर में क्या पूछा, तो एंगुलर में मुझको पूछा राउटिंग के बारे में पूछ लिया, ऑब्जर्वेबल के बारे में पूछा, प्रोमिस के बारे में पूछा, एंगुलर जेएस के बारे में पूछा, आर्किटेक्चर के बारे में पूछा, कंपोनेंट की कितनी होती है, कंपोनेंट जनरेट कैसे होता है, अब न्यू प्रोजेक्ट का सेटअप हमें करना है एंगुलर का तो तुम किस तरह से करोगे। तो ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने होनेस्टली सब आंसर दे दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑब्जर्वेबल, कंपोनेंट, एंड मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन एंगुलर डेवलपर को पूछते हैं वो क्या होता है कि तुम पेरेंट से चाइल्ड में कैसे डेटा पास करोगे और चाइल्ड से पेरेंट में डेटा कैसे पास करोगे। एक ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं होगा कि एक क्वेश्चन किसी में ने पूछा नहीं होगा। तो ये तो रट्टा मार ही लो कि ये क्या है। तो बस इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया, बट एक इशू था, वो था इंटरनेट का, क्योंकि उसने तो बोला ही है कि भाई वाईफाई लेके बैठो। बट हमारी बुरी किस्मत, हम आ गए थे गांव तो हमने मतलब मोबाइल से कनेक्ट करके मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो इन बिटवीन क्या हो गया कि मतलब डेटा लॉस हो गया, उसको मेरी आवाज नहीं जा रही थी और उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। तो मैं लैपटॉप लेके इधर उधर भटका थोड़ी देर, बाद में फिर से इस रूम में थोड़ी देर के बाद आया तो फिर से कनेक्शन मतलब इंटरनेट आने लगा, तो फिर से कंटिन्यू किया। तो बाद में प्रोजेक्ट के फ्लो के बारे में बात की कि आपके वहां मतलब किस फ्लो में वर्क करते हो आप। सो मैंने बोला हम अजाइल में वर्क करते हैं और ऐसा बहुत कुछ, कितने टीम में, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एटलीस्ट हमने 45 मिनट तक मतलब हम मेरा इंटरव्यू चला फर्स्ट राउंड। शायद ऐसा मतलब 9 बजे था इंटरव्यू, तो शायद ऐसा उठा ही नहीं होगा। तो बाद में फिर से रीशेड्यूल हो गया कॉल, मुझे तो पता भी नहीं था, बट मैंने जब मेल देखा तो डायरेक्टली मेल आया हुआ था कि तुम्हारा 10 से 11 में फिर से टेलीफोनिक राउंड है SR के साथ। तो डायरेक्टली मैं अभी इंटरव्यू खत्म ही हुआ तो थोड़ी देर के बाद SR राउंड स्टार्ट हो गया, और उसका भी मतलब बहुत लॉन्ग, मतलब उसने कुछ टेक्निकली नहीं पूछा, उसने टीम के बारे में पूछा, मैं वर्क कैसे करता हूँ, मुझे कितनी लैंग्वेज आती है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करता, मतलब मुझे पता है किस डेटाबेस के बारे में, या कैसे तुम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो, कितनी कैपेबिलिटी है तुम में, और सिर्फ वही से करना चाहते थे। तो ऑनेस्टली वो भी हो गया है, अब जस्ट वेट है। तो एक ही चीज का वेट, मतलब ऑफर लेटर का। अब ऑफर लेटर आ जाएगा
तो बल्ले बल्ले सॉरी गाइस, ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस। दो चीजें मैंने जो सीखी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रट्टा मत मारना। जो आप रट्टा मारा होगा आपने और आप नर्वस हो गए तो आप सब भूल जाओगे। दूसरी बात है, इंटरनेट के कनेक्शन का पूरी तरह से ख्याल रखो जब मीटिंग है, वरना एक चांस होता है इंटरव्यू का वो भी जाएगा। 6 मंथ वेट करना पड़ता है, एक बार गया तो 6 मंथ तक। तो ऐसा था और बढ़िया इंटरव्यू रहा। तो आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में जावास्क्रिप्ट की सीरीज के साथ।